जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालमपुर। आज जनरल साइंस की क्लास 7 आपके लिए मैं लेके आया हूँ। डेली टॉप क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपसे यहाँ से डिस्कस करता हूँ, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आपके हिमाचल पुलिस के एग्जाम के साथ साथ जितने भी आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए भी आप यहाँ से जनरल साइंस की तैयारी जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कैल्विन में आपको यहाँ पे बताना है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नॉर्मल हमारे पास जो टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल होती हैं वो हमारे पास टोटल 4 होती हैं, जिसमें से 3 आपने सुनी हुई हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद आपने कैल्विन सुना होगा, उसके बाद आपने फारेनहाइट सुना होगा, और एक लास्ट वन आती है जिसका हायर क्लास में हम यूज़ करते हैं, विच इज़ रीमर स्केल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जिसके थ्रू आपका जो है वो जितने भी टेम्परेचर की स्केल हैं आप उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आप ध्यान से लिख सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, विच इज इक्वल टू K-273.16। 16 लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। K5 एंड इज इक्वल टू R/4। ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी चीज़ में आपको आंसर निकालना है वही पोर्शन, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये वाला पोर्शन उठाइए, और अगर कैल्विन में निकालना है तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, तो आपका वहां से सारे के सारे सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आएंगे। अब सामान्य तापमान की बात करें तो हमें पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद थर्मामीटर की बात करें, 98.6 फारेनहाइट जो है वो भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कैल्विन में। तो कैल्विन में आप यहाँ से जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 310 कैल्विन, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ साउंड आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एयर में कितनी स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे रहती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपका 331 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादातर बुक्स में इसकी वेरिएशन की जाती है, 332 को जो है वो ज़्यादातर मोस्ट प्रेफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 332 था नहीं, इसलिए हम चूज़ करेंगे 331 को। और अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँ तो वो होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज़ आगे तेजी से नहीं भाग सकती। इसकी थ्योरी जो बताई थी वो बताई थी आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच इज़ परफॉर्म और गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट यहाँ पे कौन सा है, पानी, पारा, चमड़ा या फिर प्लास्टिक? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अगर हल्की सी हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड कर जाता है, वो है हमारा मरकरी। पारा एकमात्र हमारा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एकमात्र ऐसी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। प्लस इसका यूज जो है वो थर्मामीटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इसको हल्की सी भी टेम्परेचर या हीट मिलेगा तो ये फैल जाता है। जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर में, अगर यहाँ यहाँ पे ये सारा मरकरी भरा है, जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये आगे तक जो है वो यहाँ तक फैल जाएगा, उसकी वजह से हमें अपने बॉडी टेम्परेचर का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है, तो ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, पानी में, निर्वात में, वायु में या फिर इनमें से कोई नहीं? एन ऑब्जेक्ट गिव्स मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट कब उसका होगा? तो आपको ये यहाँ पे बताना है। तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो तब होगा जब वो चीज़ किस में आएगी, वैक्यूम में आएगी या फिर निर्वात में आएगी। वैक्यूम का मतलब है जहाँ पे कोई भी हमारा ऑक्सीजन का पार्टिकल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे हवा या एयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन जो है वो किससे मेजरमेंट उससे की जाती है, हेक्टोमीटर, पायरोमीटर, वैरोमीटर या फिर मैनोमीटर? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो है आपका हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का हम यूज करते हैं, और बैरोमीटर जो है वो आपका यूज किया जाता है
एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हेक्टोमीटर जो है ये आपके वॉल्यूम से रिलेटेड रहता है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मैनोमीटर का यूज जो है वो कहाँ पे किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है इसका, कौन सा रंग सबसे अधिकतम ऊर्जा रखता है, तो विच कलर हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, ऐसा कौन सा कलर है जिसके पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो वो है हमारा बैंगनी वॉयलेट कलर। बिवग्योर से आप यहाँ पे पैटर्न याद रख सकते हैं, टोटल 7 कलर का पैटर्न है जिसमें से बैंगनी या फिर वॉयलेट जो है उसके पास सबसे अधिक एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसमें कई बार फंस जाते हैं। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है इन ऑप्शन में वो है आपके पास फर्मीमीटर। फर्मीमीटर ये सबसे छोटी इकाई है क्योंकि फर्मीमीटर की वैल्यू होती है 10^-15 मीटर, और नैनोमीटर आपको पता है 10^-9 मीटर है, इसलिए जो माइनस में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वही आपका क्या है सबसे छोटी इकाई रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्मी मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हीटर में किस धातु की तार बनी होती है, तो ऐसी कौन सी मेटल की वायर हीटर में लगाई जाती है, आपको बताना है तांबा लोहा नाइक्रोम या फिर स्टील, कॉपर आयरन नाइक्रोम या फिर स्टील। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका नाइक्रोम। हीटर या रोड में नाइक्रोम या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे प्रेस होते हैं उसमें भी नाइक्रोम का यूज किया जाता है, लेकिन बल्ब में जो है वो आपके टंगस्टन का यूज किया जाता है। अगला है, सबसे पहले मिसाइल को किसने बनाया था, हु मेड द फर्स्ट मिसाइल, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका वर्नर वॉन ब्रॉन, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, इन्होंने सबसे पहले मिसाइल को बनाया था। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, और काफ़ी अच्छी वीडियो आपको लगी होगी क्योंकि बेसिक आज क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो थे वो आपके थोड़े से आपको कन्फ्यूज़न भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको वीडियो से पहले जब अपना मन अपने मन से जब आप आंसर देंगे और उसके बाद आपको अगर ऐसा लगेगा कि ओह सॉरी ये तो मैंने गलत आंसर यहाँ पे टिक किया है या चूज़ किया, तब आपको ऐसा पता चलेगा कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जब भी आप वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो पहले आंसर आप खुद दें और फिर चेक करें कि 10 में से 10 आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आते हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है ये किसने दी थी, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी जो है ये इनका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल पसंद आई होगी, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।